हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, जैसे हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो पुराने ज़माने में बोला करती थी कि अगर गर्भवती महिला में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं उनकी चाल में, ढाल में, खाने की पसंद नापसंद में, तो माना जाता है कि उसको एक बेबी बॉय होने वाले। दोस्तों, तो दोस्तों क्या होता है कि मेरा ये चैनल का या फिर ये मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़का लड़की में कोई भेदभाव करें। हमारे लिए, चैनल के लिए, दोनों के लिए लड़का लड़की दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों को समान प्यार और अधिकार दोनों देने चाहिए। दोस्तों, ये तो क्या होता है कि जब भी कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होने जाती है ना, तो उसको कंजीव हो जाता है, तो वो ऐसा मतलब अनुमान लगाने लगती है, उसकी उम्मीदें है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उत्सुकता है वो बढ़ जाती है जानने के लिए उसके परिवार वालों की और उसके पति की भी कि उसका घर जो आने वाला नन्ना मेहमान है वो कौन होगा, एक बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। दोस्तों, तो वही उत्सुकता को शांत करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को आप एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक घरेलू नुस्खों के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कि आपको क्या होता है कि आपका सुबह का पहला जो यूरिन रहता है ना, जो सुबह के पहला यूरिन आप पास करने जाती है ना, वो आपको एक अच्छे धुले हुए पात्र में ले लेना है, ठीक है दोस्तों। और आपको क्या करना है कि वो यूरिन को आप रख दें, फिर उसके साथ आप एक चम्मच नमक ऐड कर दें उसमें, है ना। सॉल्ट तो सबके घर में होता ही है, तो वो एक चम्मच आप उसमें ऐड कर दें, फिर उसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। फिर आपको देखना है कि अगर उसमें छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है, और यूरिन का कलर वो सब ऐसे ही रह रहा है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी गर्ल होगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया ना आपको घर का नुस्खा, वो आपको क्या करना है, 5वें 6वें महीने में ही करना है, ताकि आपको क्या होता है, बेबी थोड़ा बहुत बन चुका होता है और वो आपका रिजल्ट परफेक्ट मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी ये ट्राई किया था, मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था, लेकिन क्या होता है कि इसका रिजल्ट हम बेबी होने के बाद ही बता सकते हैं कि ये नुस्खा मेरे पर ठीक बैठा था कि नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आप भी ये घर पर ट्राई कीजिए और मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए कि आपको ये नुस्खा जो है वो ठीक बैठा था कि नहीं बैठा था। चलो दोस्तों, आप होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए दोस्तों, ठीक है। चलो मिलती हूँ आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज़।